धूप हो, उमस हो या फिर बारिश, मौसम कोई भी हो, लेकिन भीड़ में कोई कमी नहीं है। ये नजारा है छत्तीसगढ़ के भिलाई का, जहां प्रदीप मिश्रा की कथा हो रही है। आज छठा दिन है कथा का और आज सुबह से मौसम खराब है, रात से बारिश हो रही थी, सुबह भी बारिश हो रही थी और दिन में जब मैं अभी हूँ इस समय भी बूंदाबांदी हो रही है। इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, कोई छतरी जो भी अपनी व्यवस्था कर सकता था, छाता, कोई पन्नी तो कोई बोरा ओढ़कर यहाँ पे बैठा नजर आया। कई लोग बाहर में चर्चा करते हैं कि ये भक्ति नहीं, ये अंधभक्ति है। आज का हमारा वीडियो इसी सब्जेक्ट पर है, लोगों से हम बातचीत करना करेंगे और जानेंगे कि क्या ये भक्ति है या अंधभक्ति है। नमस्कार, मैं नीलेश और आप देख रहे हैं न्यूज बाजी। ये बारिश वारिश का मौसम आज तो सुबह से खराब है, तो आप लोग मतलब प्रदीप जी ने भी आज एक वीडियो जारी किया था कि आज अपने घर से ही सुने, यहाँ आएंगे तो अब व्यवस्था हो सकती है, फिर भी आप लोग आए, आप लोग को डर नहीं लगा? नहीं सर, डर के डर की कोई बात नहीं, जहाँ भोले बाबा की कृपा हो सर वहाँ डर की क्या बात। कुछ लोग इसे कहते हैं कि ये अंधभक्ति है, ये बकवास बात है सर, ये श्रद्धा है। अंधभक्ति और श्रद्धा में बहुत फर्क होता है, ये श्रद्धा है। क्या फर्क है दोनों में? बहुत फर्क है सर, जैसे कुछ आप समझाइए यहाँ के जो हमारे व्यूअर हैं वो भी समझे। श्रद्धा का मतलब जो दिल से जो जिस जगह पे खींचा जाए आदमी, वो श्रद्धा कहलाती है। बाबा जी ने खुद एक वीडियो जारी किया था और कहा था कि आज क्योंकि मौसम खराब है, बारिश हो रही है सुबह से और यहाँ अव्यवस्था हो सकती है, तो यहाँ की बजाय आप घर से देखिए। एक ये भी चर्चा होती है कि मना करने के बावजूद भी धूप कितनी हो, बारिश कितनी हो, लोग आ रहे हैं, तो क्या ये भक्ति नहीं, अंधभक्ति है? नहीं, ये तो भक्ति है, सब श्रद्धा से ही आ रहे हैं, अपने घर से इतने दूर से आ रहे हैं तो सबका श्रद्धा ही है। ये श्रद्धा घर में बैठकर नहीं, वहाँ भी हो सकता है पर यहाँ बाबा जी का क्या सुन सकते हैं ना, कोई अव्यवस्था हो जाती तो नहीं, भीड़ का मजा भी ले सकते। ये पूरा पन्नी उन्नी लगा के बैठे हो आप लोग, बारिश हो रहा था तो लेके बैठे, बारिश हो गया तो बारिश तो सुबह से हो रही है, आप लोग को पता होगा कि आज मौसम खराब ही रहेगा, तो घर से क्यों नहीं सुन लिए? नहीं, यहाँ आने का कुछ अलग है ना, इस वजह से। अच्छा, कुछ लोग ना जैसे इस टाइप का जो धूप में भी बैठकर सुन रहे हैं या आप लोग जैसे बैठे हैं, तो कई लोग ऐसे जब देखते हैं वीडियो तो कहते हैं ये अंधभक्ति है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अंधभक्ति नहीं है, जिसको विश्वास है वो जानते हैं कि क्या है शिव भक्ति, इस वजह से हम लोग भी आए, नहीं तो घर में भी सुनते हैं, पर यहाँ आने छोटा बच्चा लेके आए हैं तो है शिव भक्ति है। आपके अंदर क्या, जब से आप फॉलो कर रहे हैं प्रदीप जी को, क्या बदलाव आया? ये है मेरा बेटा है। अच्छा, बेटा उसके बाद आया? हाँ, जय शिव भक्ति के उसमें यही है, इसी वजह से इसका नाम भी इसी वजह से शिवांश रखी है। अच्छा, इसका नाम भी शिवांश रखी। तो पहले क्या मतलब क्या चेंजेस आए, वो पूरा तो डिटेल में बताइए कैसे? बहुत सारे चेंजेस, ऐसे नहीं कि प्रदीप मिश्रा को ही सुन के, पहले से शिव उसमें थे, इनको सुन के और बढ़ा के शिव भक्ति और बढ़ा। हाँ, बहुत यानी शिव मंदिर होगा, था पहले से ही हमारे घर में भी है। तो बच्चे का क्यों शिवांश मतलब, उसके पीछे क्या रीजन? आपके आपकी अपनी शिव भक्ति थी या कोई अलग कुछ? जी का ही है, इसी वजह से इसके तभी तो नाम रखी मैं शिवांश। नहीं तो क्या पहले क्या दिक्कत थी आपको? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं, पर मैं इसका मन्नत से हुआ है मेरा। अच्छा, मन्नत ही। अच्छा, बेटी के बाद बेटी क्या दिक्कत थी? बेटी भी तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यानी है उसी ऐसे कुछ नहीं, मतलब बेटे के लिए एक मन्नत था ऐसा बोल रहे हैं। बेटे का है, ये अंधभक्ति नहीं है, इससे इतने कुछ परिवर्तन आए हमारे अंदर। मैं दूसरी बात क्या कहूँ, ये हमारा बच्चा जो है वो बाबा की कृपा से ही प्राप्त हुआ। ऑफ कोर्स इंसानियत का परिवर्तन आया है, पहले इंसान नहीं थे, ऑफ कोर्स नहीं थे, हर चीजों को मार मार के खा लेते थे और बिल्कुल नहीं खाते भैया। तो पहले नॉन वेजिटेरियन थे, अभी नॉन वेजिटेरियन। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम अरविंदर कौर है। अच्छा, आप मतलब पंजाबी फैमिली से हैं? हाँ जी, हाँ जी, नॉनवेज तो खाते ही हो रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं छोड़ दिए हैं। अब कैसे छोड़ा आपने? जब से हम प्रवचन सुन गए, तबियत खराब हो जाएगा पिएंगे तो। फिर घर से सुनते हैं आराम से यहाँ? नहीं यहाँ, क्योंकि नागपुर से आए हम लोग। कुछ लोग इसको अंधभक्ति भी कहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भक्ति है जी। आपको क्या लाभ मिला? किसी को बताने आपने? यहाँ सुनने से और घर में सुनने से क्या फर्क पड़ता है? ये अंधभक्ति थोड़े जाए, भीड़ देख करके आप जान ही सकते हैं कि क्या है, भीड़ देख कर ही लोग जो लोग हैं वो ऐसा कहते हैं कि ये तो पूजा पाठ घर से भी, जैसे आज बाबा ने खुद कहा था प्रदीप मिश्रा जी ने वीडियो जारी करके कि आप घर से सुनिए, आज व्यवस्था हो सकती, फिर भी लोग आए। नहीं, फिर भी आए तो भक्ति है ना, तो आएंगे ही सुनने के लिए। आपके अंदर क्या परिवर्तन? मेरे अंदर तो बहुत ज्यादा परिवर्तन, जैसे
क्योंकि पहले भी हम ये सब भक्ति नहीं करते थे, लेकिन ये कथा सुनने के बाद मेरे में बहुत चेंजिंग आया है। किस तरह के चेंजेस आए? डेली मतलब मंदिर जाकर के एक लोटा जल देते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, ये सब करने लगे हैं। बदलाव क्या है आपके मतलब रहन सहन या लाइफ स्टाइल पे, क्या परिवर्तन है? अभी पहले जॉब नहीं करते थे, अब जॉब लग गई। हाँ, 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 क्या जॉब कर रहे हैं अभी? तो है इंजीनियर। नहीं है अंधभक्ति को, जैसे विश्वास है। अंधभक्ति नहीं है, विश्वास है। हाँ। तो इतना विश्वास कैसे है? आप लोग छोटे छोटे बच्चों को, और इतना पानी गिर रहा है, कल धूप में भी कई लोग लेकर आए थे, आप लोग को डर नहीं लगता? बच्चे लोग को ही नुकसान हो गया कुछ तो? नहीं लगता डर। क्यों ऐसा? शिव जी है ना साथ हो रहा है। लोग बोलते हैं अंधविश्वास, अंधविश्वास होता तो लोग पानी में भीग के ये क्यों आते? विश्वास है तो इस दुनिया में आए ना लोग। इतनी धूप, पानी, भूख, प्यास, छोटे छोटे बच्चे कीचड़ में लोग बैठ रहे हैं, एक भरोसा है शिव पुराण में, तब ना लोग दुनिया इतनी आई है। हमारे भोले शंकर यहाँ है, हमें हमारे विश्वास है, भगवान है, कैलाश आते हैं पब्लिक, भगवान है तो जाते हैं ना। भगवान नहीं होता तो नहीं होता तो दुनिया इतनी नहीं। वो तो सब अपना अपना एक आस्था है, लोगों के मन में क्या अपने एक अलग आस्था है, इसलिए सब आए हैं भगवान का कथा सुनने। मैं भी एक ग्रेजुएट हूँ, पढ़ी लिखी लड़की हूँ, स्टाफ नर्स हूँ मैं भी। मेरे मन में भी भगवान के लिए बहुत ही ज्यादा आस्था है, इसलिए आस्था लेके यहाँ पे आई। इतना भीड़ है, ये सब लोग प्रपंच नहीं है, ये सब लोगों की आस्था है और भगवान सच में है। तो ये है कि एक श्रद्धा भक्ति और विश्वास चाहिए, जो शिव भक्ति का जो ये दौर जो चला है, जिसने अपनी ओर आकर्षित किया है। हम टाटीबंध से आए हैं रायपुर से, और आज वेदर इतना ज्यादा खराब था तो हमको नहीं लग रहा था कि हम पहुंच पाएंगे करके, लेकिन ये शिव की ही कृपा है, जो उनका था कृपा हमारे ऊपर कि हम वहां पर दर्शन करें, हम उनका शिव पुराण सुन सके तो हम सुन पाए, इसके लिए भगवान को कोटि कोटि प्रणाम है। कई लोग सवाल उठाते हैं कि ये भक्ति नहीं है, अंधभक्ति है, आप क्या कहेंगे? देखो विचार तो सबके अलग अलग होते हैं, किसी के विचार को कोई बदल नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर इतनी भारी भीड़ जो है ये अंधविश्वास को तो नहीं बता दी है, ये कहीं ना कहीं उसकी सच्चाई, श्रद्धा और भक्ति को ही बता रही है। इतनी भारी संख्या में आ क्यों रहे हैं? कहने वाले की मर्जी है कुछ भी कहें, पर जिसको विश्वास है वो तो आएगा ही। भगवान शिव कथावाचक प्रदीप मिश्रा को लेकर लोगों के अपने दावे और उनके प्रति लोगों की अपनी श्रद्धा आपने देखी, अब ये डिसाइड करना कि ये भक्ति है या अंधभक्ति, ये व्यूअर का अपना विवेक है। फिलहाल कथा स्थल की कुछ तस्वीरों के साथ आप हमें इजाजत दीजिए। अपने ध्यान पर बैठकर भगवान शिव के विजन श्री शिवाय।